मध्य प्रदेश में तबादलों का दौर जारी है और सरकार ने अब तक कई कर्मचारी अधिकारी और नौकरशाहों के तबादले कर दिए हैं। ये संख्या साल के अंत तक 1,00,000 पार कर जाने की उम्मीद है, लेकिन इसी कड़ी में प्रदेश में पुलिस विभाग के कुत्तों के ट्रेनरों को कुत्तों सहित भी इधर से उधर कर दिया जा रहा है। गुरुवार को 23वीं वाहनी विशेष सशस्त्र बल की ओर से PTS डॉग के 46 डॉग हैंडलरों को माय डॉग समेत तबादले का आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक CM कमलनाथ के बंगले की सुरक्षा को लेकर भी छिंदवाड़ा से डफी डॉग 2 कुत्तों को बुलवाया गया है, जिसे CM आवास पर तैनात किया जाएगा। इधर राज्य सरकार के फैसले पर BJP ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विजेश लुणावत ने ट्विटर पर लिखा कि वाहरी कमलनाथ सरकार तबादला उद्योग में कुत्तों को भी नहीं छोड़ा, मध्य प्रदेश के डॉग स्क्वाड के ट्रांसफर। वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने लिखा है कि हाय रे बेदर्दी कांग्रेस सरकार, कुत्तों को तो छोड़ देते। पुलिस विभाग ने किए कुत्तों के थोकबंद तबादले। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार का वश चले तो कोई माल देने वाला मिल जाए तो वो जमीन और आसमान का स्वयं के भय पर तबादला कर देंगे। वहीं मध्य प्रदेश पुलिस डॉग स्क्वाड ने अप्रैल महीने में 12 जर्मन शेफर्ड, 12 डाबरमैन और 2 बेल्जियन मालिनोइस कुत्तों को शामिल किया गया था। इन कुत्तों को 9 माह की ट्रेनिंग दी जा रही है, इसके बाद इन्हें बड़े ऑपरेशंस में शामिल किया जाएगा। हालांकि इस बार कई सारे डॉग ट्रेनर और उनके कुत्तों सहित उनका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह कर दिया गया है और प्रदेश सरकार में तबादलों का दौर लगातार जारी है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.